और श्रावस्ती जनपद में फिर एक बार भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है। आपको बता दें, इकोना थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास दरबार रेस्टोरेंट का पूरा मामला है, जहां पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना पहुँचाया है, जहाँ पर डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरे युवक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। वहां पर भी डॉक्टरों ने दूसरे युवक को भी मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक दोनों युवक रिश्तेदारी में एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही बाईपास पर पहुँचे, वैसे ही एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बाइक से उनका एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस द्वारा उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोना लाया गया, जिसमें से एक व्यक्ति जो है मृत अवस्था में आया था और एक गंभीर रूप से घायल था, उसको बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। ये इनकी क्या स्थिति डॉक्टर साहब, कैसे मौत हुई है, क्या लग रहा है देखने से? अब एक्सीडेंट की वजह से ऑन द स्पॉट डेथ हुई है, जब यहाँ लाया गया तो मृत अवस्था में पाया गया। ये तो बता रहे हैं कि हमारा बराई है, हम जा रहे हैं वहाँ न्योता खाने। अच्छा, फिर कौना कैसे पहुँच गया, कुछ जानकारी है आपको? ये जानकारी, ये पहले बता रहा था कि हमको सुंदरई जाना है, दोस्त के पास, वहाँ न्योता है, बराई है। अच्छा, क्या नाम है इसका, क्या नाम पड़ेगा? शिवराम। शिवराम। अच्छा, तो शादी वादी हो गई है इसकी? शादी है, एक बच्चा, एक बच्चा भी है। और इसके साथ में एक और लड़का था जिसको रिफर किया गया, उसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ। क्या नाम है उसका दूसरे का? गंगाराम। कौन है इसका गंगाराम, ये लड़के का? ये दोनों चाचा उसका लगते हैं, मैंने गाँव का है, चाचा है उसके भी, एक ही लड़का है। अच्छा, तो कुछ आप जान पाए, कुछ जानकारी मिली आपको, एक्सीडेंट कहाँ हुआ है कुछ पता चला? ये तो नहीं हुआ मेरे। कैसे सूचना मिली आपको? हमको सूचना पुलिस द्वारा मिली, तब हम घर से चले।